इधर आए, बात सुने, अस्सलाम वालेकुम। आप शटर चोरी करते हैं, काट काट के आपने शटर बेच बेच के अपना घर बना रहे, आपको शर्म नहीं आई इस बात पे? मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैंने शटर कब काटा यार? शटर तक तो ठीक था, शटर तक तो ठीक था, लोगों की गाड़ियों के टायर भी यहाँ पे रात को चोरी होते हैं। आप क्या प्रूफ है यार? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप नहीं 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 आप मुझे ये देखे भाग रहा है चोर। तो आज मैं एक और प्रैंक लेके आया हूँ आपके लिए, इंटरव्यू प्रैंक है। किसी को भी रोक के उस पर चोरी के इल्जाम लगा दूंगा कि मार्केट से आपने ये चोरी किया, आपने गटर के ढक्कन चोरी किए, इस तरह के इल्जाम लगाऊंगा और देखेंगे कि लोग उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए पीस आउट। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूं आपका होस्ट उसामा खान। तो आज आपके साथ फिर हाजिर हूं एक न्यू शो को लेके। तो आज हम लोग आए हैं बरकत मार्केट के इस पुल पे, ये बहुत फेमस पुल है, हर बंदा यहाँ से गुजरता है। तो चाचा जी शलवार छोड़ दो। अच्छा, तो भाई ये भाई हमारे साथ रुके हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि यार आप यहाँ पे कब से मतलब आ जा रहे हैं? तकरीबन मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से ये आ जा रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये काम करना पड़ा? ये रहने के लिए, इधर मेरी जॉब है। जॉब तो है लेकिन उसके अलावा जो यार हमें खबर मिली है, खाने पीने के, बिल्कुल खाने पीने के लिए, लेकिन जो हमें खबर मिली है कि आप यहाँ पे चोरियां करते हैं। व्हाट अ प्रैंक, ग्रेट प्रैंक। आई नो ये प्रैंक करते हैं। अब चोर पकड़ा जाए तो फिर यही कहता है कि ये प्रैंक है। एक-एक बंदे को पकड़ के जिसे कहने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त उसामा खान। आज मौजूद हूँ फिर से बरकत मार्केट के पुल पे। तो अभी आपको पता लग जाता है, तो ये भाई को हमने रोका है आज। इधर आए, क्या हो गया, डर क्यों? तो ये भाई को रोका है हमने, इनसे पूछेंगे हम कि ऐसा क्या, ऐसी क्या मजबूरियाँ आई आपकी जो आपको यहाँ पे आगे ये काम करना पड़ा? बस घर बनाने के लिए मजबूरी हुई। घर बनाने के लिए, जैसा कि इंकशाफ हुआ है कि घर बनाने के लिए दूसरों के घर बर्बाद कर दो, मतलब आपको शर्म नहीं? नहीं, क्यों बर्बाद करना? नहीं, हमें पता लगा है सर, हमें न्यूज़ आई है, हम आम बंदे नहीं है, हम टीवी वाले हैं, ठीक है, हमें न्यूज़ मिली है कि आप यहाँ पे लोगों के शटर काट के। नहीं यार, मैं क्यों काटूंगा शटर? शटर वाली कहां से बात है सर? हमें खबर मिली है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये इंसान, ये शख्स, ये दरिंदा शख्स, नहीं नहीं, वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, ये कोई आम शख्स नहीं है, इसकी मासूमियत पे मत जाइएगा, शक्ल से मासूम, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया, कपड़ा ही कह देते हैं हम, तो कपड़ा डाला हुआ, क्या कहते हैं, रुमाल, रुमाल, हाँ रुमाल डाल के कंधे पे, ये इंसानियत का सबसे शरीफ उन तलूलुल ज़बान उन चमानुं शख्स है, ठीक है, लेकिन ये कोई आम शख्स नहीं है, इस शख्स ने बरकत मार्केट के सारे कूड़े के डब्बे चोरी किए हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आपको शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? मैंने क्या किया? नहीं, आपने क्या किया? आप इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, पूरी मार्केट के कूड़े के डब्बे चोरी किए हैं आपने, तो अभी आप चुप हैं उस बात पे, आपको कुछ नहीं कहना। मैंने आपको जैसे कि पहले आपको शुरू होने से पहले ही बताया था, इस मासूम चेहरे पे ना जाए, यही मासूम चेहरे ने 15 कूड़े के डब्बे बरकत मार्केट से चोरी किए। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त उसामा खान। तो आज हमारे साथ एक मौजूद है एक और शख्स, ये वही शख्स है जो रातों के अंधेरों में लोगों के आउटडोर एसीओ के उतारता है। तो आज हमारे सामने ये मौजूद है, तो हम इससे पूछेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपने ये काम शुरू किया? बस मुल्क के हालात चेक कर ले, कोई ना कोई काम तो करना ही। मुल्क के हालात, इससे पहले भी जो इंसान आया था उसने भी यही बात करके कूड़े के डब्बे चोरी किए थे, और ये भाई एसी के आउटडोर चोरी करने इस वजह से, क्योंकि मुल्क के हालात खराब हैं यार, और कोई काम नहीं आता आपको? नहीं, हमें जो ये तो आता है, आप भी देख लें सड़कों में निकले हुए हैं, काम तो काम है ना फिर? सर काम तो काम है, देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरह हम मार्केट के आउटडोर थोड़ी उतार रहे हैं। तो आउटडोर उतारना आसान काम है, उतार के देखिए ना, बात हो जाएगी आपकी एक के चक्कर। अच्छा, तो ये इंसान मार्केट के सारे एसी चोरी करने के बाद, एसी के आउटडोर चोरी करने के बाद कह रहा है कि ये कोई इजी काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इधर आए, बात सुने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त उसामा खान, आपका होस्ट उसामा खान। तो आज हम मौजूद हैं इस शख्स के साथ, नहीं ये वही शख्स है जो रात को
मोहल्ले के गटर चोरी करता है, गटर के ढक्कन, तो आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं कभी नहीं। आपका हिस्सा नहीं है उसमें? नहीं नहीं हमारा कोई हिस्सा नहीं है भाई, पार्टनर नहीं है। देखिए हर चोर ऐसे ही करता है, बाद में इल्जामात लगाता है। सर हम टीवी से आए हैं, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, हमें यहाँ पे खबर मिली है, मार्केट ने हमें खबर दी है कि आप गटरों के ढक्कन चोरी करते हैं। तो आप नहीं चोरी करवाते? नहीं सर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं ये आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, सीरियस मैं सीरियस इस बात, ये सीरियस बात हो रही है सर। आपकी सीसीटीवी फुटेज है, अगर आपने नहीं किए। चैनल देखता हूँ आपका, थैंक यू यार, थैंक यू। आप शटर चोरी करते हैं, काट काट के आपने शटर बेच बेच के अपना घर बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई इस बात पे? मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तो मैंने शटर कब काटा यार, मुझे तो शटर तक तो ठीक था, शटर तक तो ठीक था, लोगों की गाड़ियों के टायर भी यहाँ पे रात को चोरी होते हैं। नहीं क्यों, आप क्या प्रूफ है सर? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप अपने सारे टूल्स लेके रातों को शटर के ताले काट रहे हैं। उस दिन आपने वहां से चार वो वाले होटल से आपने चार कुर्सियां चोरी की हैं। यार कुर्सियां मैंने क्या चोरी की, मुझे नहीं पता यार। हमारे पास देखिए हम प्रूफ के साथ आते हैं, मैं मेहनत करता हूं यार, मेहनत सर हम भी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, हम प्रूफ के साथ आए हैं इस वक्त, हमें पता है कि आपने सॉरी यार। देखें सर मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं आप, यहां पे मान जाएंगे, अगर आप यहां पे मान जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना पुलिस आ रही है नीचे, कॉल तो दी है उन्होंने मार्केट वालों ने, आ रही है, हां पुलिस आ रही है, उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। जब इमरान का है तब तक ये काम नहीं मिलेगा, जब तक इमरान खान नहीं आएगा तब तक इनको काम नहीं मिलेगा, इनका ये कहना है। चलिए इनकी बात भी ठीक है, हम इनकी बात पे सहमत हैं, लेकिन तब तक आप कोई और काम कर लो यार, चोरियां तो ना करो। ठीक है चोरी नहीं करते, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन यार कल को जब भी चोरी करनी ये रुमाल चेंज कर भाई, तो कूड़े के डब्बे कितने के बिक जाते हैं? प्रॉफिट है इसमें? नहीं, अगर प्रॉफिट है तो काम मेरे पास एक और जगह है, आधे आधे करते हैं पैसे, ठीक है मिल के सेल करते हैं, है बंदा बंदा कोई ले ले, देखो कितने सेल करता है, 500 में हो जाता है। तो आपका कहना कि आप जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूं, आप भी देखें ना, आपको क्या पता एक इंसान ने कितनी मेहनत से वो एसी खरीदा होगा जो आप एक दिन में एक रात में ऐसे उतार के ले जाते हैं। ये भी हम भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना, नहीं मेहनत लगा के छोड़ दिया। देखिए सर हलाल और हराम की कमाई में बड़ा फर्क होता है, नहीं, नहीं। हराम की कमाई बड़ी इजीली कमाई जाती है, लेकिन वो जाती बड़ी तेजी से है, तो हलाल की कमाई करें प्लीज। आप भी तो देख रहे हैं नीचे फकीर की पैंट पकड़ के आपने पहन ली है सर, मैं देखिए हराम की तो नहीं है ना, हराम की ऐसी तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये चोरी फकीर की पकड़े हम, लंडे से उठाए हम, जहाँ मर्जी से उठाए, देखिये हम भीख नहीं मांग रहे, हम चोरियां नहीं कर रहे सर, ये गलत बात आप कर रहे हैं, पैंट पकड़ना चोरी ही है, दुकान से ना करें। अगर आपने चोरी नहीं की, इनके पास मार्केट वालों के पास प्रूफ है सारा, वो कहते हैं कि ये इंसान चोरियां करता है, सीसीटीवी फुटेज है, परसों आप गाड़ी का टाइम निकालते हुए पकड़े गए, आपको बड़ी कूटो पड़ी है मैंने सुना है। मुझे कुछ पड़ा, कोई और होगा, मैं नहीं था यार, ये वाला लॉकेट जो है ना ये हमारी आंखों से गुजर गया है, ये या तो लॉकेट चेंज करें या फिर मुंह पे मार्क्स पहन के आया करें, ताकि आप मैं क्यों मार्क्स पहनूं, कोई और होगा मैं नहीं था भाई, मैं तो इधर मीको आपको कंफर्म है कि आप नहीं थे, जॉब करता हूं मैं, अच्छा शेफ हूं। एक मिनट हमारे पास वीडियो आई है, एक मिनट वीडियो देख लूं मैं, उससे अंदाजा हो जाएगा आप ही हो, ये वीडियो है लड़की है, इसमें तो लड़की है यार, सॉरी यार, हम माजो चाहते कि हमारे साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है भाई, सॉरी यार। मैं यही कंफर्म करना चाहता था कि ये शख्स वाकई मजनून है कि ये वाकई चोरियों में उलवेस है, तो ये आपके सामने है, देख सकते हैं, मैंने इसे जरा सी ऑफर की और ये फौरन मान गया कि हाँ ठीक है आप बिल्कुल ठीक है। पुलिस आ रही है, आप वेट करें यहाँ पे, पुलिस को बुलाओ यार जल्दी से, यहाँ पे वेट करो। कब से कर रहे हो चोरियाँ? आज पहली बार की है, पहली बार और आखिरी बार मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, पहली वीडियो है, मजाक ही कर रहा हूँ आपके साथ, ये कोई चोरियाँ चोरियाँ नहीं की है आपने, मजाक कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है बहुत मासूम बंदा है, मैंने इसकी मासूमियत का थोड़ा सा फायदा उठाने की कोशिश की है। आप हाथी के बच्चे लग रहे हैं मुझे इस वक्त, अपनी शक्ल तो देखो चिंपैंजी के लाल, मैं तो नहीं हूँ चिंपैंजी, देख लो आपने फील किया, आपने फील नहीं किया, आपने फील किया, आपने फौरन जवाब लग गया, नहीं मुझे लग ही गया, ऐसी बात करो कि ऐसा जवाब मिलेगा आपको, आपके मुंह के अंदर जामुन डाल के हिलाने वाला वो जो डोंगा नहीं होता वैसा आपका मुंह है, क्या बात, हंसने वाली बात है, नहीं नहीं हंसे हंसे प्लीज, हंसे कुछ मार दिए, अच्छा आप मार लें थोड़े सर, आप वो सब बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं सिर्फ
कि ये जो आप एसी की आउटडोर चोरी कर रहे हैं मार्केट से, इसकी कौन भरपाई करेगा? बस मुझे और कोई फजूल बात नहीं करनी, बस यार मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप नहीं 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 आप मुझे ये देखे भाग रहा है चोर। अच्छा मजाक कर रहा हूँ तो ये भाई गुस्सा हो गए थे थोड़ा सा, मजाक कर रहे हैं सर, ये बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो बताओ क्या सीन है, मैं भी रात को ज्वाइन करूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी मजेदार मजेदार प्रैंक्स आने वाले हैं। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।